अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद कर दी गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सड़कों पर तो जवान तैनात ही हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी अयोध्या पहुंच गई हैं और सरयू नदी में उतर गई हैं। एनडीआरएफ के जवान नदी में रहकर अयोध्या नगरी पर नजर रखेंगे ताकि बिना इजाजत कोई सरयू पार करके अयोध्या न पहुंच पाए। आप देखें, मेरे बाईं तरफ सरयू की कलकल धारा बह रही है और इस जगह पर कई ऐसे घाट हैं जहां पर श्रद्धालु आते हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि ये एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है तैनाती के लिए और सरयू की जिम्मेदारी इस एनडीआरएफ के जिम्मे है और ये देखिए अपने इक्विपमेंट्स इसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि पूरे के पूरे सरयू नदी में जो भी हलचल होगी और सरयू नदी की कलकल धारा के जरिए ये लोग अपनी निगरानी पूरे अयोध्या की करेंगे। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर प्रवेश द्वार पर हुई भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। पुलिस ने जवान तैनात कर दिए हैं। पीएसी, सीआरपीएफ, एटीएस, एनएसजी, एसपीजी के कमांडो, तमाम जो पुलिस फोर्स है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाली है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले हर एक वाहन और व्यक्ति की लगातार चेकिंग हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं अयोध्या के सुप्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर खड़ा हूं, जहां पर भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो सीआरपीएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनकी तैनाती की गई है और लगातार ये अधिकारी और जवान अयोध्या की सड़कों पर गश्त कर अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये वो मुख्य मार्ग है जो कि रामपथ के ओर जाता है और यहाँ पर भी प्रवेश करने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही है। अगर उनके पास वैलिड पास नहीं है तो उनके प्रवेश को भी रोका जा रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या के जो प्रमुख एंट्री पॉइंट हैं, उन पर हर एक एंट्री पॉइंट पर यहां पर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ और एटीएस कमांडोज की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि जो लगातार अधिकारी हैं, जो एसएचओ हैं, वो भी सुबह से ही सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अयोध्या में कोई अराजक तत्व को एंट्री न मिले। आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहां पर तमाम जो बैरियर बनाए गए हैं वहां पर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग रामपथ पर हैं, जहां पर भगवान राम लला का मंदिर है, हनुमानगढ़ी है और सभी जो प्रमुख स्थान हैं वो इस पथ पर पड़ते हैं, जिसके चलते आप इसके एंट्री पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला कमांडोज हैं उनकी भी तैनाती की गई है, वो लगातार अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए नजर आ रही। और एक बड़ी खबर, आज से बंद हो जाएगा रामलला का पट। 3 दिन तक जनमानस के लिए रामलला के कपाट बंद हो जाएंगे। 20, 21 और 22 जनवरी को श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे और विराजमान रामलला के भाइयों के साथ अनुष्ठान में शामिल होंगे और 3 दिन तक रामलला के कपाट बंद रहेंगे। 3 दिन का ये वक्त रहेगा, 20, 21 और 22 का जवान श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं राजीव, हमारे सहयोगी और केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख करते हैं। राजीव, अयोध्या के कौन से कोने में, कौन सी जगह पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीर इस वक्त दिखाएंगे? अब देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या के धर्मपथ पर मौजूद हूँ। ये अयोध्या का एंट्री पॉइंट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर लैंड होने वाले हैं। वो 22 जनवरी को जो भगवान राम लला का भव्य दिव्य मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि अयोध्या में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जिन गाड़ियों के अधिकृत पास नहीं है उनको एंट्री पॉइंट पर ही रोका जा रहा है। हालांकि जो आम श्रद्धालु हैं वो बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, उनको क्योंकि आज अंतिम दिन है जब भगवान राम लला को का आप अस्थाई मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। आज के बाद
अगले 3 दिन तक यानी कि प्राण प्रतिष्ठा तक जो आम भक्त हैं उनके लिए राम मंदिर में जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम है वो बंद कर दिया जाएगा। और अब आज के बाद जो राम भक्त हैं वो 23 तारीख को भगवान राम का दर्शन उनके दिव्य और भव्य महल में कर सकेंगे, मंदिर में कर सकेंगे। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स, CRPF और जो अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी यहां पर तैनाती की गई है। आपसे कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री उन तमाम स्थलों का निरीक्षण करेंगे जहां पर 22 तारीख का जो भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जाना है। यानी कि वो राम जन्मभूमि पहुंचेंगे, वहां दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और क्या क्या तैयारियां की गई हैं उस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम के लिए उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जिसके बाद वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल राजीव, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। केबी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, आप अयोध्या में कहां पर मौजूद हैं और जरा दिखाइए कि किस तरह की तस्वीर है आज के दिन, क्योंकि बेहद नजदीक आ रहा है अब वो वक्त जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए इस समय हम राम पथ पर हैं और ये राम पथ है, ये टेढ़ी बाजार चौराहा है। यहाँ पर देख लिए कि सुरक्षा के व्यवस्थित व पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये टेढ़ी बाजार का एंट्री पॉइंट है। हालांकि आज राम मंदिर का पट बंद हो जाएगा, आज आखिरी दिन है। आज के बाद फिर 23 तारीख को नए मंदिर में जो है रामलला के दर्शन होंगे। तो कुल मिला के जो सुरक्षा जो की गई है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के ये चौराहा है, ये राम पथ है, ये और टेढ़ी व चौराहा बोलते हैं। तो कुल मिला के जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी अयोध्या धाम को सील कर दिया गया है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जो तैयारियां हैं रामलला के विराजमान होने की उसकी जायजा लेके प्रधानमंत्री 22 तारीख को, कुल मिला के जो तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं। कुल मिला के देख रहे हैं ये एंट्री पॉइंट है अयोध्या धाम का। यहां से जो है यहां पर जो श्रद्धालु प्रवेश करते हैं, हालांकि जो आम श्रद्धालु हैं वो पैदल उनको जा दिया रहा, लेकिन यहां पर जो इनके पास पास नहीं है, जो वाहन यहां नहीं जा पा रहे हैं, कुल मिला के जो आप सुरक्षा में आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परंदा यहाँ पर न मार सके, इसलिए पूरी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। आप देख रहे हैं ये राम पथ है, राम पथ के जो चौराहा है पूरा सील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये जो व्यवस्था की जा रही है बिल्कुल। तो लगातार तस्वीरें दिखा